Good evening, all of you. I hope all of you are fine. Today we are going to discuss about a new topic, that is accounting equation. This topic is very easy and based on your understanding. So topic start करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक channel subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कीजिए and videos को ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए, like कीजिए and if you have any doubt then please comment box में comment ज़रूर करिए. So let's start the topic, that is accounting equation. देखिए, जैसे आपने मैथ्स में किया है ना, इक्वेशंस LHS इक्वल टू RHS मींस लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करते हैं राइट हैंड साइड के, सेम वही चीज यहां भी चलेगी. अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है कि दिस इक्वेशन एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है, यानी कि इक्वल के इस तरफ जितनी भी अमाउंट्स हैं वो इक्वल के उस तरफ वाली अमाउंट के इक्वल होंगी, बराबर आएंगी, ठीक है. अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनी कैसे है वो सीखते हैं. देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, एसेट्स बराबर है किसके, लायबिलिटीज और कैपिटल के. इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि जब हमारे पास पैसा होता है जिससे कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पैसे से हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा अपनी एसेट्स परचेज करेंगे, ठीक है. बिजनेस चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. फिर वो एसेट आपका कुछ भी हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, कैश वगैरह कुछ भी, ठीक है. अब या तो वो एसेट आप अपने पैसे से खरीदोगे, ठीक है, या फिर आप उस एसेट को किसी लोन के थ्रू खरीदोगे. मीन्स अगर मेरे पास 1000 रुपीज़ की एसेट पड़ी है, ठीक है, और ये 1000 रुपीज़ की एसेट खरीदने के लिए मेरे पास 600 रुपीज़ खुद के थे और 400 मैंने किसी से उधार लिए, तभी तो मेरे पास 1000 की एसेट आएगी ना. यानी कि आप ये मान के चलिए कि बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हैं या तो वो खुद के पैसे से होंगी या वो उधार के पैसे से होगी, ठीक है. इसीलिए आपके पास जो एसेट्स पड़ी होंगी वो किसके बराबर होंगी, आपके खुद के पैसे प्लस आपकी लायबिलिटी के बराबर होगी हमेशा, ठीक है. तो यहीं से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बन के आई है कि एसेट्स जो होती हैं वो किसके इक्वल होती है, लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होती है हमेशा. क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया. अब अकाउंटिंग इक्वेशन करना कैसे है वो देखते हैं. आपको सबसे पहले क्या करना है, दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा यूज होती हैं, लाइक कैश, डेटर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ठीक है. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा आपको हर क्वेश्चन में मिल जाएंगी, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ें फॉर्मेट में बना दी हैं, ठीक है. जो चीज़ें एसेट्स होती हैं वो मैंने एसेट के हेड में डाला. देखिए, कैश मेरा एसेट है, स्टॉक मेरा एसेट होता है, डेटर्स भी एसेट होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में समझा चुकी हूँ, ठीक है. लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्रेडिटर्स है एंड कैपिटल है, और इक्वल के इस तरफ रहेगी हमारी लाइबिलिटीज़ एंड इक्वल के इस तरफ रहेगा हमारा एसेट्स, ठीक है. अब क्वेश्चन रीड करते हुए अगर आपको कोई नया हेड मिल जाता है तो उसके लिए आप एक यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हैं, ठीक है. ये मैंने स्पेस इसीलिए छोड़ा है कि अगर मुझे कोई और हेड मिल गया तो मैं यहाँ डालूंगी. जैसे कि सपोज मैंने कोई मशीनरी परचेस की है, मशीनरी भी तो एक एसेट है ना, तो हमें यहाँ मशीनरी का हेड डालना पड़ेगा. आप बस इतना समझिए कि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के प्रॉपर हेड्स हमारे पास होने चाहिए. क्लियर हो गया. सो स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन. लेट्स हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चन. द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. मुकेश ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें आप चाहे कैश लगाओ चाहे एसेट लगाओ, वो सारी चीज़ें कैपिटल बन जाती हैं, ठीक है. तो यानी कि आपको क्या मिल रहा है बिजनेस में, एक तो आपके पास कैश आ रहा है और दूसरा वही कैश एक कैपिटल भी बन रहा है, ठीक है. आपको ध्यान यह रखना है कि हर ट्रांजेक्शन के एटलीस्ट 2 इफेक्ट तो पड़ेंगे, ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि 2 से ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 तो होते ही हैं. तो अब आपको बिजनेस में जो भी चीज़ आती नज़र आएगी, मीन्स अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो आपको वो चीज़ प्लस करनी है, और अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो आपको वो चीज़ माइनस करनी है. बस इतना सा ही खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, बहुत ईजी टॉपिक है. तो मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. यहाँ पर आपको हर ट्रांजेक्शन लिखते जाना है, ठीक है. 80,000 के कैश के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो यानी कि मेरे पास कैश आ चुका है 80,000 का. स्टॉक में कोई बदलाव नहीं आया, ट्रांजेक्शन में स्टॉक के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, इसीलिए प्लस ज़ीरो. डेटर्स में कोई चेंज नहीं आया, प्लस ज़ीरो. इक्वल्स टू क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया,
और आपके पास वो कैश क्या है, वो कैपिटल के तौर पर आया है, तो यानी कि आपके पास कैपिटल बढ़ गया है, तो इसीलिए मैंने प्लस कर दिया है। ठीक है, अब आपको ये इक्वेशन यहाँ पर क्लोज करनी है। क्लोज करके आपको यहाँ लिखना है कि आपके पास कैश है 80,000, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, इक्वल्स टू ये ज़ीरो है एंड ये 80 है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन ख़त्म, लेट्स मूव ऑन टूवर्ड द सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या कहती है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, आपने सामान खरीदा है कैश में। तो एक बात बताइए, अगर आप कैश में सामान खरीदते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पे? बिजनेस के पास जो कैश पड़ा है उसमें से कैश कम हो जाएगा क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। तो यानी कि गुड्स परचेज्ड फॉर कैश कितने में? 28,000 में आपने सामान खरीदा है, तो कैश आपका 28,000 से कम हो गया। और सामान आपके पास आएगा जब आप कैश पे कर दोगे, तो आपके पास सामान आ जाएगा और उस सामान को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। तो यानी कि मेरा स्टॉक बढ़ रहा है, तो मैंने क्या किया, 28,000 से मेरा स्टॉक बढ़ गया, मैंने लिख दिया प्लस 28,000। ठीक है, यहाँ पर डेटर्स हैं, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं है। इक्वेशन आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस करेंगे, ये बच जाएगा आपका 52,000, यहाँ पर 28,000, दिस इज़ ज़ीरो, ज़ीरो प्लस 80, क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, आपने गुड्स खरीदा है मगर उधार में खरीदा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो स्टॉक आपका फिर से बढ़ जाएगा क्योंकि 28,000 का तो स्टॉक आपके पास था, 20,000 का और आपने खरीद लिया। तो ठीक है, पहले हम करते हैं गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट कि हमने उधार में सामान खरीदा है, तो ऑब्वियस ही बात है कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उधार में खरीदा है, कैश तो दिया ही नहीं, लेकिन स्टॉक पे पड़ेगा क्योंकि आपके पास 20,000 का स्टॉक और आ जाएगा। प्लस डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखिए जब आप सामान उधार में खरीदते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? क्रेडिटर्स। जब हम किसी से सामान क्रेडिट पर लेकर आते हैं ना, तो वो क्रेडिटर्स होते हैं, तभी तो इसको क्रेडिटर बोलते हैं, क्रेडिट लेने वाला। हमने उधार लिया है तो हमारे पास क्रेडिटर बढ़ रहे हैं 20,000 के, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, इक्वेशन को आप यहीं पर क्लोज कर दीजिए। कैश 52,000 प्लस ये हो जाएगा 48,000 प्लस 0 इक्वल्स टू 20,000 प्लस 80,000। अब आप देखिए 80 प्लस 20 1 लाख, और ये किसके बराबर आ रहा है? इन दोनों का टोटल, ये भी 1 लाख बन रहा है, यानी हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 4, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर खरीदा है कैश में, फर्नीचर का देखिए कोई हेड नहीं है यहाँ पर, तो यानी कि मुझे फर्नीचर का हेड बनाना पड़ेगा और वो मेरी एसेट है, तो इसीलिए मैंने एसेट वाले साइड पर फर्नीचर का हेड बना दिया, एसेट वाली साइड पर। ठीक है, अब आपने फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो एंट्री कीजिए परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। कैश पे करेंगे तो कैश चला जाएगा, 6,000 का कैश चला गया, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, डेटर्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फर्नीचर हमारे पास बढ़ गया है 6,000 से क्योंकि मैंने 6,000 का फर्नीचर खरीद लिया, इक्वल्स टू यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इक्वेशन को आप क्लोज कर दीजिए। अब आप यहाँ देखिए कितना बना, आपने 6,000 कैश दे दिया, तो ये बनता है 46,000 प्लस 48,000 प्लस इट विल बी 0, 6,000 इक्वल्स टू 20,000 प्लस 80,000। आपको हर बार ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन को क्लोज करना है और ये चेक करते रहना है कि ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली दिस प्लस दिस और ये 1 लाख बन रहा है, और ये 80 प्लस 20 भी 1 लाख है, यानी हम इक्वल चल रही है, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है ना, नेक्स्ट आती है ट्रांजेक्शन नंबर 5, दैट इज रेंट पेड 2,000। आपने 2,000 का रेंट पे कर दिया है। ठीक है, अब रेंट क्या है? रेंट ना तो एसेट है ना ही रेंट लाइबिलिटी है, है ना? तो रेंट तो एक तरह का एक्सपेंस है, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी एक्सपेंस का, इनकम का, लॉस का और गेन का इफेक्ट हमेशा हम कैपिटल पर दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि एक्सपेंस की वजह से आपके कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपको कहीं भी एक्सपेंस एंड लॉसेस नज़र आएंगे
तो वो हमेशा माइनस होंगे, कहाँ से? कैपिटल से, ठीक है ना, कैपिटल से उनको माइनस करना है। अगर आपको इनकम एंड गेन या प्रॉफिट आपको नज़र आता है तो इन चीज़ों को क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है। कहाँ प्लस करना है? ऑब्वियसली कैपिटल में, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना तो एसेट होती हैं और ना ही लाइबिलिटीज़, और जो चीज़ ना एसेट हो ना लाइबिलिटी उसका इफेक्ट कैपिटल पे जाता है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग एक और है, अगर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स मिल जाती हैं तो ड्राइंग्स को भी आपने माइनस करना है, कहाँ से? कैपिटल से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि इन चीज़ों के इफेक्ट कैपिटल पे पड़ते हैं। और क्यों पड़ते हैं? क्योंकि ये चीज़ ना तो एसेट है ना ही लाइबिलिटी, इनका अलग से हेड तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। अब आपने रेंट पे किया है तो आप एंट्री कीजिए रेंट पेड, कितनी अमाउंट है? दैट इज 2000। तो ऑब्वियसली 2000 का कैश चला गया आपके पास से, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस कहाँ से माइनस होंगे? कैपिटल से, तो 2000 यहाँ से माइनस हो गए। बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं है तो वो प्लस ज़ीरो, प्लस ज़ीरो, जिसमें चेंज नहीं होता उसको हम प्लस ज़ीरो लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये कितना है? 44,000 हो गया, यहाँ पर 48,000 ही था, प्लस दिस इज ज़ीरो, प्लस 6,000 इक्वल्स टू 20,000 एंड प्लस 78,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 6, इट इज़ रिसीव्ड कमीशन 500। बहुत आसान है, आपने कमीशन रिसीव किया है, किस में रिसीव करोगे? ऑब्वियसली कैश में, ठीक है ना। तो 500 का जो कमीशन आप रिसीव कर रहे हो उससे आपका कैश बढ़ेगा, क्योंकि आपको 500 कैश मिल रहा है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे रिसीव्ड कमीशन की, रिसीव्ड कमीशन 500, मुझे कमीशन मिला, मैंने कैश में ऐड किया। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए? मैंने आपको बताया हर ट्रांजेक्शन के कम से कम दो इफेक्ट आएंगे, एक यहाँ आ गया, तो ना तो ये एसेट है ना लाइबिलिटी, ये तो क्या है? इनकम हो रही है मुझे, ठीक है ना, मेरे को कहीं से कमीशन मिल रहा है, मेरी इनकम हो रही है, और इनकम का इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल पे। इनकम आपके लिए फ़ायदा है ना, तो इसीलिए आपने प्लस कर देना है, तो 500 आपको प्लस करके मिल गए। अब जिन चीज़ों में कोई चेंज नहीं आया वो एज इट इज़ आप छोड़ देंगे प्लस ज़ीरो करके, ठीक है। तो इक्वेशन को क्लोज कीजिए, इक्वेशन क्लोज करके आपको मिलता है 44,500 प्लस हियर 48,000 प्लस ज़ीरो प्लस 6,000 इक्वल्स टू 20,000 प्लस 78,500। यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं पॉइंट नंबर 7, विड्रॉल कैश फॉर प्राइवेट यूज़। आपने बिजनेस से कैश विड्रॉल करवाया है प्राइवेट यूज़ के लिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो प्राइवेट यूज़ होता है उसका मतलब होता है ड्रॉइंग्स। कोई भी चीज़ आप पर्सनल खर्चे के लिए कर रहे हो, कैश निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो बिजनेस से, वो हमेशा ड्राइंग्स होती हैं। तो आपने क्या किया? कैश विड्रॉल करवाया है अपने यूज़ के लिए, यानी आपने ड्राइंग्स की हैं। तो कैश निकालोगे आप तो कैश कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। 3000 का कैश निकाला, बाकी चीज़ों में तो कोई चेंज नहीं है तो वो प्लस ज़ीरो हो जाएंगी, प्लस ज़ीरो। अभी मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स कहाँ से माइनस होती हैं? कैपिटल से, क्योंकि ड्राइंग्स भी एक तरह का वो है, लॉस है, कि हमारे कैपिटल से कुछ पैसा निकल गया, हमें लॉस हो रहा है। तो हमने कितना निकाला है? 3000, वो हमने माइनस कर दिया। अकाउंटिंग इक्वेशन को आप क्लोज कीजिए, ठीक है। एंड दैट विल बिकम 41,500 एंड 48,000, हियर इट विल बी ज़ीरो, देन 6,000, 20,000 प्लस 70 माइनस हुआ है 75,500, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 8, दैट इज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड कॉस्ट प्राइस 30,000 एंड 40,000। देखिए दो अमाउंट आपको नज़र आ रही है, पहली अमाउंट जो है वो कहता है कि हमने गुड्स को बेचा है, ठीक है। जो ब्रैकेट में लिखा है उसके आगे बोला गया है कॉस्ट 30,000। कॉस्ट का मतलब उस सामान को बनाने में एक्सपेंस 30,000 का आया था, ठीक है। यानी बनी थी वो 30,000 में, लेकिन वो बिकी कितने में है? 40,000 में। यानी कि आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें, एक चीज़ है जो कि है 30,000 का स्टॉक, बिका है वो 40 में, एंड तीसरी अमाउंट है 10,000। अब थ्री अमाउंट्स हैं तो ऑब्वियसली इफेक्ट भी 3 पड़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड ऑन
क्रेडिट, ठीक है जी। गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट पर, आपके स्टॉक से कितने का सामान गया है? स्टॉक से तो 30,000 का सामान गया है ना, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, 48, जिसमें से आपने जो सामान बेचा है, भला वो भले ही कितने में भी बेचा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास जब वो सामान पड़ा था उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी। तो स्टॉक तो मेरा 30,000 का बिका है ना, तो यानी कि मेरे 30,000 कम हो गया, 30,000 से मेरा स्टॉक कम हो गया, ठीक है। मगर ये सामान कितने में बिका है? उधारी में बिका है, ठीक है ना। अब आपने सामान जब उधारे में बेचा है तो वो क्या होती है? वो डेटर्स होते हैं, यानी कि आपके ऊपर डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं। कितने के? 40,000 के डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं आपके ऊपर, ठीक है। अब 30,000 की चीज 40 में बेची है तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया है। प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में जाता है। प्रॉफिट फायदा है तो प्लस हो जाएगा, लॉस होता तो माइनस हो जाता, तो आपने प्लस कर देना है 10,000, ठीक है। बाकी किसी चीज में चेंज नहीं आया तो वो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, बात समझ आई? थ्री अमाउंट्स थी तो थ्री इफेक्ट पड़ गए, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन को क्लोज कर दीजिए, ये बन गया 41,500, यहाँ पर से आपका सामान चला गया, 18,000 रह गया। डेटर्स 40,000 के क्रिएट होते हैं, 6,000 का ये है, इक्वल्स टू ये आपका 20 ही चल रहा है एंड ये आपका 85,500 हो गया है। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, दैट इज पेड टू क्रेडिटर्स। आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट की है 15,000 में, ऑब्वियसली आपने कैश पे किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि पेमेंट तो कैश में ही है। तो आपको क्या करना है? पेड टू क्रेडिटर एंट्री डालकर, कैश कितना गया है? 15,000, क्योंकि मैंने क्या किया, 15,000 की पेमेंट की है। किसकी की है? क्रेडिटर्स की है, यानी कि मेरे पास क्रेडिटर थे 20, जिसमें से मैंने 15 पे कर दिए, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे माइनस 15,000 हो गए ना, क्योंकि अगर मैंने किसी के 20,000 देने थे उसमें से मैं 15 दे चुकी तो मेरे क्रेडिटर्स तो कम ही होंगे ना, इसीलिए मैंने माइनस किया है, ठीक है। बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं आया तो वो एज इट इज़ रह जाएंगी, ये एज इट इज़ हो गई, एंड देन क्लोज योर अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। आपने क्या करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन को क्लोज कर देना है, क्लोज करके लास्ट में एंट्री देख लीजिए कितनी बनती है। आपने यहाँ से 500 ये निकाला, 26,500 बन जाएगा ये, यहाँ पर 18,000 है प्लस ये 40,000 है प्लस 6,000 इक्वल्स टू 20 माइनस 15, 5,000 प्लस 85,500। अब आप चाहें तो एक बार टोटल चेक करके देख सकते हैं, ये वाली साइड का टोटल इस वाली साइड के इक्वल होना चाहिए और यहीं पर आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है, ठीक है। तो देखिए आपने कितना आसान है अकाउंटिंग इक्वेशन करना, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्या चीज़ पे प्लस करना है और किस चीज़ को माइनस करना है, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जिन चीज़ों में चेंज आ रहा है उन चीज़ों में चेंजेस करते जाना है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, थैंक यू।